गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे हैं दिन के पूरे 2:17। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हमारा कहीं को जाने का एक प्रोग्राम बन रहा है। एक्चुअली आप शायद ही आप लोग जानते होंगे, जो मेरी सबसे छोटी सिस्टर है उसका नाम है खुशी। वो नालागढ़ में जॉब कर रही है, पैसा कमा रही है। हालांकि वो है गरीब, उससे कभी भी पैसे मांगना हो तो वैसे बोलती यार मेरे पास तो है ही नहीं। बाकी ऐसे जॉब कर रही है वो अपने हिसाब से, तो बाकी देती दूती तो है नहीं मेरे को कुछ नहीं। नहीं यार, कभी कभी दे देती है, ऐसी बात नहीं है। 1,000 मांगो तो 10 रुपए तो जरूर ही देती है जेब में। तो आजकल उसकी थोड़ी सी स्वास्थ्य खराब है, तो आज उसका फोन आया कि यार मेरी तबीयत नहीं ठीक हुई है वो सो। तो खेमू भैया ने बोला कि चलो उसको लेने चलते और उसको घर लेके आते, क्योंकि अभी बाहर ठंड भी है, मौसम भी है आजकल कुछ ऐसा ही है। तो अभी हम जा रहे हैं उसको लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये व्लॉग भी शूट किया जाए। बिस्तर मेरा भी वैसा का वैसा ही है, आपको पता ही है अब ठंड में तो सबके बिस्तर ऐसे ही पड़े रहते हैं, नो डाउट सभी लोगों के ऐसे होंगे। तो अभी चलते हैं, हम खुशी को लेने जा रहे हैं। ठीक है भाई, बना रखना खाने को बढ़िया ऐसा कुछ। तो आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, बारिश हो रही है और यहाँ पर शैगी ने कुछ अपना थोड़ा चेथा रख रखा है, और ये चिलकड़ू मतलब चिड़िया आ रही है। और इनके लिए मम्मी इनके लिए भी चावल के दाने फेंक देना है ना। चार्जर भी साथ लेके जाते हैं, और लाइट बंद करना भूल गई थी मैं, क्यों गालियां सुननी किसी से। और ये हमारे साथ हमारा गुच्छू भी जा रहा है। शेगू ओले, शेगी बड़ी खुशी हुई आज, लॉन्ग राइड पे जा रही हूँ। क्यों शेगी? और गोदी में बैठ के अगले को सीट किनारे दी थी, यहाँ से खिड़की से निकालना था मुंह बाहर। अब कोई भी थी शगी। अरे काला बच्चा भी जा रहा है, लाला का घूम ही जाए ना। और ये है गंबर का पुल। गंबर एक एक्चुअली खड्ड है। और यहाँ से आप आगे देख पा रहे होंगे, आगे की तरफ जाकर एक पुल दिखाई देगा हमें, वो है गंबर पुल। और ये देखिए दोस्तों, हमें एक बार फिर से ये नालागढ़ जाने से पहले जो दिग्गल में शॉप पड़ती है, जिसको आपने पहले भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, हम वहाँ पर दोबारा आ गए हैं बर्गर खाने। औसम बर्गर लगता है मेरे को यहाँ का, क्यों भैया है ना, क्यों भैया कैसे चाहे दाड़ में थी दर्द, बर्गर खाने में उतर ले लगती बर के। हाँ देखो बर्गर का फेरा देखो इनका मुँह आता, चाहे आओ चाहे ना खाई लेना भी उतरी है। अड़ी गए, मैंने तो मना किया था, मतलब अड़ना नहीं किस चीज के लिए। नहीं चलो आप चाहिए के लिए, हमने चिज्जी ले ली रास्ते में, चिज्जी के लिए अड़ेगी मैंने कहा ए ले ऋषागी ने लाया हुआ ए नहीं खाती है, एक्सपायरी डेट की चीज है। अरे शागी मैं अभी खा रही हूँ उसको, देख तू ही खा, बोलो मेरे को दे बर्गर। ले अबे चिपड़ी कहीं की खाती कहीं कोई, शेगी को पता लग गया कि एक्सपायर एक्सपायर रहा है। ये तो ये मार दो, मैं तो बोलो ये तू बंदा बनाई है। नहीं मैं यार ना, जब मैंने तेरे को बिस्किट खाने को बोला शेगी, इधर देख इधर देख, जी शेगी का पूरा ध्यान कैसे खुल रहा है क्या। ये देखिए इस तरीके से खाना भी आता है, हमने
जितेंद्र ने व्लॉग देख लिया, उसे आरती क्यों नहीं आई? भला वो घर के पजामे में थी इसलिए नहीं आई। जितेंद्र भाई अगर आप इस व्लॉग को देख रहे हो और आप अगर बोलोगे भी आरती क्यों नहीं आई जब आई हुई थी, तो ये घर के पजामे में आई इसलिए हम इसको बाहर नहीं लाए, और इसके पास घास को जाने वाले जूते थे इसलिए। कहीं कोई भी नहीं खाना, इसको उल्टी आएगी, रहने दे। वाह यार अंजलि, तू कितने तमीज से खाती बर्गर। हमने खाया तो हमारे मुंह भी गंदे, हाथ भी गंदे। सो गाइस अभी हम पहुंचे हैं दिग्गल, और दिग्गल बस भी गई। ये देखिए ये बहुत पीछे से, मतलब दिग्गल से लेकर हमारे आगे चल रहा है, और ये रोड पर हमारी छोटी गाड़ी होने के बावजूद भी देखिए दोस्तों हमें पास नहीं दे रहा। तो मैंने सोचा कि इसकी क्लिप तो बनती ही है। नहीं देगा भैया, पुष्पा मूवी देख के आया है, हटेगा नहीं साला। और दोस्तों पहुंच चुके हैं सालागढ़, यहाँ पर भी मौसम ऐसा ही है। और ये इसका कुछ दिन पहले बर्थडे था तो इसको कुछ गिफ्ट्स मिले हैं, ये हम घर लेकर जाने आए हैं। और खाने का सामान उस तरफ है, और वहाँ पर एक डेयरी मिल्क दिखाई दे रही है मुझे दोस्तों। और ये देखिए मिल गया। तो दोस्तों आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा हमारे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। शैगी तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी खुशी दीदी को देखकर। खेली शैगी की खुशी देखी दोस्तों। हाँ खेम भैया दाढ़ की दर्द और बर्गर खाते हैं। हाँ ऐसे इनकी दाढ़ में सी दर्द देखो दोस्तों, और बर्गर वहाँ के बर्गर के इतने फैन। एक और खाएगा भाई, एक और बर्गर खाएगा। मैंने अपना सामान पैक कर दिया फटाफट से, और वैसे मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मतलब हम फ्रेंड को नहीं मिले, अभी उसे मिलने जा रहे हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मैं यहाँ एक दो दिन रुक लूँगी। मुँह भी होनी चाहिए देखने लायक, शक्ल तेरी है देखने लायक, शीशा तो है नहीं। मेरा शीशा लगा हुआ है। चलें फिर क्या? अरे व्लॉग ही है, दिस इज व्लॉग माय डियर।
और अब हम खुशी की रूममेट यानी तो ये देखिए शिमला जाने की तैयारी, और खुशी देख सकते हैं आप चेहरे पर। अय्या खुशी की वैसे बीमार है लेकिन लग नहीं रही है बीमार को देखने के बाद, खुशी की खुशी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और साथ में खुशी की हाँ दोस्त तू क्या करेगा फिर यहाँ पे अकेला रह के, जाना था ना साथ नहीं ठीक है तब सुबह शिमला से बर्फ लेकर आएंगे ना और उसके बाद लकड़ियों को जाना ठीक है, शिमला शिमला कहीं नहीं जाएंगे घूमने हम। तो दोस्तों प्लान था सिर्फ खुशी को लेकर जाने का और अब ये दोनों हमारे साथ जाएंगी, और देखिए इनका जो बच्चा कुछ खाना पीना कंबल रजाई कपड़े कपड़े सब कुछ लेकर चल रही है अब घर की तरफ, ऐसे तैयार हो रहे हैं जैसे वापस नहीं आएंगी। और ये अपना राशन पानी भी खुशी तो आटा भी ले जा रही है, ये देखिए बोलो मक्की का आटा लाया था कहीं से पर इनको बनाना नहीं आता, और ये इनका सुबह का पका हुआ खाना, और ये चॉकलेट जो अभी कुछ समय पहले सिल्क डेयरी मिल्क सिल्क के नाम पर ये चॉकलेट दी है किसी ने, लेकिन एक पत्थर जैसी चॉकलेट हो रखी है इस वक्त। चले फिर आटा चावल चकड़ी नहीं आए हम यहाँ बस कर अब इसको भरना। तो ये देखिए कितनी जल्दी तैयार हो गए ये लोग, अब चलते हैं आपको मिलेंगे घर में, मम्मी का रिएक्शन देखेंगे। ये देखिए शैगी की गोद में बड़ी बार लाडली बन गई है, शैगी शैगी की गोद में चलो जिसने खाना कुछ और खुशी चलो एक लोग पैक करवा देंगे। और पुष्पिता फूड्स बेकर्स में हम खाएंगे इडली डोसा, आप देखते हैं कैसा होता है साउथ इंडियन फूड। एक पैक भी कर देना दो मसाला डोसा प्लेट में और एक पैक कर देना डोसा ऑनियन डोसा मसाला डोसा बटर मसाला डोसा पनीर मसाला डोसा मोशरोला मसाला डोसा मोशरोला पनीर डोसा और अरे भैया टेप से इनसे टेप से चेक करो इसका साइज कितना। तो आ चुका है हमारा डोसा, तो केम भी आपको डोसा कैसा लगा? कहाँ है डोसा है तो चिलड़ा है ना, चिलड़ा नहीं है भैया डोसा, ये डोसा चिलड़े बोलते हैं हमारे इसको, चिलड़े नहीं होते भैया डोसा होता है ये डोसा, ना लगड़ में नहीं इसको सारे साउथ इंडियन डिश है भैया है डोसा हमारे चिलड़ा चिलड़ा। पेट्रोल पंप पर अभी हमने तेल डलवाया और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। चलो चलो शैगी चलाओ गाड़ी, यहाँ पर शैगी बोल रही है कि अब गाड़ी भाई चलाएगा। तो तू नहीं राजीबाजी कर रही है मेरे को, हां राजीबाजी कर रही है। पानी पीछे पैर सेक लो।
सो फाइनली दोस्तों अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं और शैगी 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 के थक के बुरे हाल हो चुके हैं इस टाइम। ऐसा लग रहा है जैसे इसी ने गाड़ी चलाई हो, इतना लंबा सफर इसके लिए बहुत ही अजीब था। इसका बुग्गू है। तो अब वीडियो को यहाँ पर क्लोज करते हैं। बोल ले वीडियो कैसी लगी। वीडियो कैसी लगी शेयर कर लीजिएगा। ठीक चल वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताया। ऐसे बोल दे आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और तब तक के लिए हम सो जाते हैं, आप भी सो जाइए। बाय बाय टाटा।